दोस्तों फाइनली लॉन्च हो चुकी है टीवीएस की रोनिंग 225 जो कि एक टूरर बाइक है। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, क्या इसकी टायर साइज है, ब्रेक साइज है, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, कैसा लुक आपको देखने को मिल जाता है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस बाइक के बारे में। जो भी डाउट होगा सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो टाइम ना लगाते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस बाइक को देख लो, क्या गजब की लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये अपने सेगमेंट में एक किलर बाइक रहने वाली है, काफी सारी बाइकों का ये सेल कम करने वाली है। जैसे की बात करें होंडा की हाइनेस का रॉयल इनफील्ड की सेल कम होगी एंड N250 की भी सेल कम होने वाली है इसकी वजह से। अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। सबसे पहले हम प्राइस एंड वेरिएंट की बात कर लेते हैं। इसमें आपको कलर ऑप्शन देखा जाए तो 6 कलर दिए गए हैं, लेकिन वेरिएंट आपको 3 देखने को मिल जाते हैं। पहला आपको मिल जाएगा सिंगल टोन के साथ में, उसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ने वाली है 1,49,000 रुपए। दूसरा वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा डुअल टोन के साथ में, जिसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलने वाला है, उसकी प्राइस आपको मिल जाएगी 1.56 लाख रुपए। एक्स शोरूम बता रहा हूं, जो मैंने पहला वेरिएंट बताया था उसमें भी आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। इन दोनों बाइकों में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा। लास्ट जो कि टॉप मॉडल रहने वाला है, ट्रिपल टोन के साथ में आएगी बाइक, उसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा, उसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ने वाली है 1,68,000 रुपए। और मुझे पर्सनली ये वाला मॉडल बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हो ये है वही मॉडल, बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, तीनों की प्राइस अलग रहने वाली है। और रोड की बात करें तो आपको पहला वाला सिंगल टोन वाला ऑन रोड पड़ जाएगा लमसम मेरे हिसाब से 56 के आसपास में, और दूसरा आपको ऑन रोड पड़ जाएगा लमसम 67 के आसपास में, एंड लास्ट थर्ड ट्रिपल टोन वाला आपको ऑन रोड लमसम पड़ जाएगा 1,78,000 के आसपास, डिपेंड करता है आप किस स्टेट से हो। और अभी बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट की बात करें तो सब कुछ आपको LED मिलने वाला है, चाहे हेडलाइट की बात करें, इंडिकेटर की बात करें या टेल सेक्शन की बात करें। मुझे इसके तीनों इलेक्ट्रिकल पार्ट बहुत अच्छे लगे, बहुत ही गजब के दिख रहे हैं, खासकर इसकी हेडलाइट और टेल लैंप मुझे बहुत अच्छा लगा। और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको गोल्डन कलर का USD फोक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि 41mm का रहने वाला है। बहुत ही कड़क दिख रही है ये बाइक इस गोल्डन कलर USD फोक के साथ में। और रियर के सस्पेंशन की बात करें तो आपको मोनोशॉक मिल जाता है, जिसमें आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलने वाला। अभी हम बात कर लेते हैं इसके टायर के बारे में। आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, जो कि ब्लॉक पैटर्न वाले टायर रहेंगे, जिससे आप ऑफ रोडिंग आसानी से कर सकते हो। थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग एंड टूरिंग अच्छे से आप कर पाओगे। और टायर साइज की हम बात कर लेते हैं, फ्रंट में आपको टायर साइज मिलने वाला 110x70 सेक्शन का, और रियर में आपको मिल जाता है 130x70 का। और इसके व्हील की बात करें तो आपको 17 इंच की एलॉय व्हील मिल जाता है, जो कि 9 स्पोक के साथ में आएगी। साथ में आपको व्हील के ऊपर आपको सिल्वर कलर के ट्रीटमेंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही गजब के दिखते हैं। और ब्रेक की बात करें तो आपको डुअल डिस्क मिल जाएगा, एंड आपको दो ऑप्शन मिलने वाला है ABS में, एक सिंगल चैनल ABS के साथ में आएगी एंड दूसरा आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन मिल जाएगा। अपने जरूरत के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। ब्रेकिंग क्वालिटी काफी अच्छी होने वाले इस बाइक में। और इसके डिस्क साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको 300mm का डिस्क मिल जाएगा, रियर में आपको मिलने वाला है 240mm का डिस्क। आपको इसमें 225.9cc का इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको पावर मिलने वाली 20 bhp एट 7750 rpm पे, और आपको टॉर्क मिल जाएगा 19.95 Nm एट 3750 rpm पे। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व ऑयल कूल कूलिंग सिस्टम आपको ऑयल कूल मिलता है। साथ में आपको FI मिल जाएगा विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। पहला आपका गियर बॉक्स नीचे लगेगा, बाकी के 4 ऊपर लगने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके सीट के बारे में। सीट की बात करें तो आपको सिंगल सीट मिल जाती है, स्क्रैम्बलर स्टाइल में आपको सीट मिलने वाला है, जिसमें आपको कंफर्ट ठीक ठाक मिल जाएगा, राइडर को अच्छा मिलने वाला है, प्लेयर राइडर को थोड़ा ओके टाइप का मिलने वाला है, क्योंकि इसकी सीट देखने में थोड़ी सी छोटी लग रही है। और मेटल का आपको ग्रेविल मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में। फ्यूल टैंक आपको काफी बड़ा मिल जाता है 14 लीटर का, और मेरे हिसाब से इसकी माइलेज मिलने वाली है आपको 40 के आसपास, बाकी डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो। इसके मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गजब का है। आपको फुली डिजिटल मिल जाता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, काफी सारे कूल से फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको इस सेगमेंट की बाइक में होना चाहिए। और इसके हैंडल बार पे आपको एक एक्स्ट्रा स्विच मिल जाएगा, जिसमें आपको मोड्स मिलने वाले, राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे, रैन मोड एंड एरमेंट मोड, उसकी मदद से आपको काफी अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके डायमेंशन के बारे में। इसका वेट आपको मिलने वाला 159 kg, लेंथ आपको मिल जाएगी 2040mm, विड्थ है इसकी 805mm, इसकी हाइट आपको मिलने वाली है 1170mm, और इसका व्हील बेस है 1357mm, ग्राउंड बेस आपको काफी अच्छा मिल जाता है 181mm का, और इसकी सीट हाइट आपको मिलने वाली है 795mm। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ये बाइक कैसी लगी, और ये प्राइस पैकेज कैसा लगा आप लोगों के लिए। एक वैल्यू फॉर मनी बाइक है नहीं, आप लोग क्या कहना है? मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी बाइक ये है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।